बराक ओबामा ने पीएम मोदी पर मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया तो निर्मला सीतारमण को गुस्सा आ गया। निर्मला सीतारमण ने बराक ओबामा को जमकर धोया है, क्या कुछ कहा उन्होंने आइए आपको दिखा दूं। दरअसल भारत में मुसलमानों के साथ व्यवहार को लेकर उठे सवालों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया है। इस दौरान सीतारमण ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी निशाना साधा। सीतारमण ने कहा कि उनके शासनकाल में अमेरिका ने 6 मुस्लिम बहुल देशों में बमबारी की थी। सीतारमण ने यह भी कहा कि मिस्र मुस्लिम आबादी के हिसाब से 6 नंबर पर है और पीएम मोदी को मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना हमारे देश के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी को अभी तक 13 ऐसे सम्मान मिल चुके हैं जिनमें से 6 सम्मान उन देशों से मिले हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। यानी कि निर्मला सीतारमण का कहना है कि पीएम मोदी को 13 सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं जिनमें से 6 पुरस्कार ऐसे हैं जो वहां से मिले हैं जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी पर मुसलमानों को लेकर सवाल उठाया गया है। और निर्मला सीतारमण ने आगे क्या कुछ कहा बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी ने भी अमेरिका में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलती है, समुदाय चाहे कोई भी हो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। पर तथ्य ये है कि जब लोग बार बार इस बहस में शामिल होते हैं और मुद्दों को उठाते हैं जो एक तरह से गैर मुद्दे हैं, क्योंकि अगर प्रदेश में कोई मुद्दे हैं जिन्हें उठाने की जरूरत है तो उन्हें राज्य स्तर पर उठाना चाहिए। कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है, लोग इसका ख्याल रखें। सीतारमण ने आगे कहा कि हाथ में किसी बुनियादी डेटा के बिना केवल आरोप लगाना हमें बताता है कि ये प्रोपोगंडा है जो जानबूझकर हमारे पीएम के खिलाफ चलाया जा रहा है, वरना देश प्रधानमंत्री मोदी को इतना सम्मान क्यों देंगे और समझ में विकृति क्यों होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और इसकी अल्पसंख्यक आबादी चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हो मुख्य धारा का हिस्सा है। उन्होंने ओबामा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और वहाँ भी हमें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में टिप्पणियाँ मिलती हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति जिनके शासन में 6 मुस्लिम बहुल देशों पर 2600 से ज्यादा बम गिराए गए थे, लोग इनके आरोपों पर कैसे भरोसा करेंगे। सीरिया से यमन, इराक, ईरान 7 देशों में युद्ध जैसी स्थिति थी। निर्मला सीतारमण ने बराक ओबामा को जिस तरह आड़े हाथों लिया उसे लेकर आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।